తెలంగాణ పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి కామెంట్లపై స్పందించారు ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. రేవంత్ రెడ్డి హిందుత్వ ఎజెండాను కాంగ్రెస్ పార్టీపై రుద్దుతున్నారని మండిపడ్డారు. ముస్లింలే టార్గెట్ గా రేవంత్ రెడ్డి రెచ్చగొట్టే ప్రసంగం చేస్తున్నారనే ఓవైసీ ఆ తర్వాత ముస్లింలపై దాడులు చేయించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. अपनी शुरुआत करता है आरएसएस में चड्डी पहनकर, आरएसएस से शुरू करता है लट फिराकर, फिर एबीवीपी में जाता है और फिर उसके बाद तेलुगु देशम से होकर तेलुगु देशम को बर्बाद करके अब कांग्रेस में चला गया. तो कल किसी ने एक अच्छा बताया कि कांग्रेस के गांधी भवन पर मोहन भगवत का कब्जा हो चुका है. मोहन भगवत जैसे चाहे तेलंगाना की कांग्रेस को चलाएंगे. जब हम ये बात करते हैं तो कांग्रेस का सदर क्या कहता है, असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पर चला जाता है, असदुद्दीन ओवैसी की शेरवानी पर चला जाता है. तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के वजीर आजम ने भी अपनी तकरीर में कहा था, जब CAA का पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो इनको. मोदी ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो, तो आरएसएस अन्ना ने कह दिया शेरवानी देखकर पहचानो. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कपड़ों की मिसाल बताकर कहा कि इनसे खतरा है, तो आरएसएस अन्ना भी शेरवानी को दिखाकर कह रहे कि इनसे खतरा है. और कहते हैं कि मजलिस रजाकारों से इनका ताल्लुक है. अरे आरएसएस अन्ना, तुम सियासत में चेपीदी चेपीदी का शेरवा हो, तुम मतारीख को नहीं जानते. अरे तुम तेलंगाना में दुर्रलू की सियासत कर रहे हो रड्डू गारू, दुर्रलू तो तुम हो. अरे मजलिस का ताल्लुक कोई रजाकारों से ना था, खा ना कभी है. तुम हमारी तारीख को नहीं जानते. अरे अगर तुम कह रहे हो कि मजलिस का ताल्लुक उनसे है, तो इंदिरा गांधी दारुसलाम में क्यों आई थी, शिवशंकर साहब के इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्यों आई थी. अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो, तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से. तो जो लोग सर पर टोपी